भाजपा युवा मोर्चा वालों विधायक गोल्डी दी कोठी अगे कीता गया रोस प्रदर्शन। गोल्डी खदूड़ा बाहर बाहर बाहर, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंजाब सरकार हाय 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 हाय, पंजाब सरकार हाय 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 हाय, कातलां दी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कातलां दी सरकार हाय 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 हाय। कैप्टन साहब अगर आप दे महल चो बाहर नहीं आ सकते, अगर उन्हां दी उम्र हो चुकी है तो अपने महल दे विच रहण, महल तो बाहर आने की लोड़ नहीं, अस्तीफा दे के अपने महल दे विच रहण, लोगों के घर उजाड़न की लोड़ नहीं। अज उन्हां दे अपने बंदे जहरीली दारू बेच के, नशे बेच के, रेता बेच के की किया जाता है, जो महंगी महंगी बोतलों ने लेवल उन्हां दे लाए जाते हैं, इन्हां दे लोगों दी फैक्ट्रियां ने, फैक्ट्रियां दे विच जहरीली दारू भर के महंगी महंगी बोतलों बेचिया जा रही ने। जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिंदे सी मैं एक एक बंदे नूं जाणदा कौन नशा बेचदा है, मैं चार हफ्ते फट के जेलों से बंद कर दूंगा, अजय चार साल हो गए कैप्टन साहब, एम एल ए साहब भी सुन रहे हो, चार साल हो गए, लोग पूछते हैं कितने है नशे दे जो जिन्होंने तुम जानते सी भी हाँ ये नशे बेचते हैं, कि वो सिर्फ वोटों वास्ते दिखावा किया जा रहा है, वो लोगों को क्यों नहीं फट के अंदर किया गया चार सालों के, अज जहरीली दारू बेच रहे हैं, नकली दारू बोतलों से भर के बेच रहे हैं, वो क्यों ना नहीं उन्होंने फड़ के अंदर किया जाता, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराई जाती। मेरी सारे थोड़ा अपील है कि घर घर तक यह गल पहुँचाओ कि पंजाब सरकार लोगों को मारन के उत्ते तुली हुई है, लुटन के उत्ते तुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंजाब दे समूह जिला हैडक्वार्टर ते प्रदर्शन किया गया। इसे तहत धुरी विखे पार्टी दे ओबीसी मोर्चा दे दिशा निर्देशों अनुसार बीजेपी जिला प्रधान रणदीप सिंह द्योल, जिला प्रधान ओबीसी मोर्चा गौरव धीमान की अगवाई हेठ धुरी हलका विधायक दलवीर सिंह गोल्डी दे दफ्तर अगे धरना दिता गया। कांग्रेस सरकार की नलायकी कारण जहरीली शराब न हुई मौतों उपर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पिट स्यापा कीता गया। इस संबंधी जानकारी दिंदे हुए जिला प्रधान द्योल ने दस्या कि सूबे विच सरकार ना दी कोई चीज नहीं रही है अते सूबे दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कुंभकर्णी नींद सुते पए हन अते कैप्टन नूं जगाउण लई हरेक जिले दा ओबीसी मोर्चा वड्डे पद्धर ते धरना देवेगा। उन्होंने दस्या कि ओबीसी मोर्चा उन्ना चिर अपना संघर्ष जारी रखेगा जिन्ना चिर सरकार पंजाब विचों नशा खत्म करके पीड़ितों नूं इंसाफ नहीं दिंदी अते दोषियों नूं सज़ा नहीं मिलती। उन्हां मंग कीती है कि पंजाब सरकार जहरीली शराब दे मामले दी जांच सीबीआई तों करवाई जावे अते पीड़ित परिवारां नूं 25-25 लाख रुपए की माली सहायता दिती जावे। मैं समझदा वी करोना महामारी दे नाल इन्ने लोगों की डैथ नहीं हुई जिन्नी पिछले हफ्ते दे विच जहरीली दारू जो कांग्रेसी लोगों वल्लों बेची जा रही है उहदे नाल लोगों की मौतां होईयां ने ते घरां दे घर उजड़ गए, लेकिन पंजाब सरकार लिपा पोती कर रही है। कल एक इन्होंने होर नवा शगुफा छड्या कि असीं मोबाइल बंड दांगे, जो पता नहीं है जो मुद्दा साडा जो जहरीली दारू दे नाल लोगों के घर उजड़े है वो खत्म हो जूगा, लेकिन पंजाब के लोग सारा कुछ समझ रहे हैं कि किना किना दी इनवॉल्वमेंट है सारे नूं पता है, पर पंजाब सरकार इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहती ना वो सीबीआई तो करवाना चाहती है। जेकर पंजाब सरकार ने पीड़ित परिवारों की सार ना ली और दोषियों नूं सज़ा ना दित्ती तो ओबीसी मोर्चा अपना संघर्ष होर तेज करेगा और मुख्यमंत्री की कोठी और दफ्तर का घेराओ भी करेगा। पारा संदेश लई धुरी तो धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट।